Assalamu alaikum and welcome to office.com.pk chapter number 1 overview of computer system. Recapping, we have pointing devices and trackball or joystick. जो हमने last time पढ़ा था, trackball भी mouse की तरह होती है, लेकिन mouse पे आप हाथ की movement से cursor हिलाते हो, लेकिन trackball में just finger से आप ball को movement करते हो, तो आपका cursor move करने लग जाता है. Joystick एक stick होती है, उसमें buttons होती हैं, जो कि mostly games, computer games के use के लिए इस्तेमाल होती है. आज जो हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस वो है टच स्क्रीन. टच स्क्रीन चाहे वो कंप्यूटर की हो या मोबाइल की हो, बेसिकली वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जब टच कर रहे हो मींस आप कुछ इन कर रहे हो कंप्यूटर में. दैट्स व्हाई टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस. अ टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन. इट इज एन इनपुट एज वेल एज आउटपुट. आउटपुट इसलिए कि जब आप कुछ टच करते हो, इन करते हो, तो आप स्क्रीन पे उसका रिजल्ट देखते हो, जो बेसिकली आउटपुट है. तो बेसिकली टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट भी है. द स्क्रीन इज सेंसिटिव टू प्रेशर. यूजर इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड ऑन द स्क्रीन. जो आपकी स्क्रीन है वो सेंसिटिव है, यानी प्रेशर आप देते हैं स्क्रीन पे और वो क्लिक हो जाता है, यानी इंटरैक्ट करती है आपके साथ, चाहे वो आपके मॉनिटर हो, टच स्क्रीन हो या आपके सेलफोन. Instead of using a pointing device, user can use a finger to point directly the object on the screen. Mouse पे pointing device में क्या है कि आप mouse के cursor को उस particular जगह लेके जाते हो जहाँ पे आपने click करना हो, लेकिन finger के through आप उस particular जगह पे जाके click कर सकते हो touch screen की मदद से. It's used in mobile, cell phones, news channels for education purpose. यानी आप उसको cell phones पे आप सब यूज करते हो. मॉनिटरिंग स्क्रीन होती है चैनल्स के लिए. जैसे अगर आप न्यूज चैनल्स देखो तो कई न्यूज चैनल्स एक टच स्क्रीन पर एनिमेटेड सीन क्रिएट करके उसको यूज कर रहे होते हैं. जब वो क्लिक करते हैं तो जैसे पाकिस्तान का नक्शा आपके सामने है, आपने पंजाब पे क्लिक किया तो पंजाब एक्सपैंड होके आ गया, सिंध पे क्लिक किया तो सिंध एक्सपैंड होके आ गया उसी स्क्रीन पर. इसी तरह एजुकेशन पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो. आप छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पे भी इसको यूज किया जा सकता है. बड़ी सी स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ अल्फाबेट्स शो कराओ और बच्चों से कहो ए पे क्लिक करें अपनी फिंगर से, बी पे करें, सी पे करें, और उससे कुछ एक्साइटिंग चीज सामने आए. तो इस तरह आप लर्निंग पर्पज के लिए भी टच स्क्रीन को यूज कर सकते हो. तो बेसिकली टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट भी है, यानी इनपुट आप कुछ दोगे तो इन रिटर्न रिजल्ट में आपको कोई ना कोई आउटपुट शो होगी. नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस है लाइट पेन. लाइट पेन क्या करता है? इट लुक्स लाइक अ पेन विद अ फोटो सेल एट इट्स टिप. पेन की तरह ही होता है, चाहे वो वायरलेस पेन हो या वायर के थ्रू पेन हो. इट इज यूज्ड टू पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट और ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. इस पेन के जरिए आप जाहिर है क्लिकिंग भी कर सकते हो, लेकिन पेन का जो मेन मकसद होता है वो होता है कुछ ना कुछ स्क्रीन पर ड्रॉ करना, बनाना पेन के जरिए. जैसे आप कॉपी पे पेज पे अपने पेन या पेंसिल के थ्रू कुछ बनाते हो, इसी तरह कंप्यूटर का भी एक स्पेसिफिक पेन होता है जो आप स्क्रीन पर जिससे ड्राइंग कर सकते हो उस पेन के जरिए. इट गिव्स मोर एक्यूरेसी देन पॉइंटिंग विद फिंगर ऑन द टच स्क्रीन. गैर है जब आप फिंगर के रिप्लेसमेंट पेन रखोगे, पेन की निप होगी प्रॉपर, तो आप इजीली हर चीज को एक्सेस कर सकते हो, बना सकते हो, मोर एक्यूरेट बना सकते हो. इट इज मेनली यूज इन इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग पर्पस. लेकिन ये आम यूज के लिए मोस्टली नहीं होती, ये इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग पर्पस के लिए होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, उसने एक गाड़ी डिजाइन करनी है. अब गाड़ी डिजाइन करने के लिए फर्स्टली वो कंप्यूटर पर डिजाइन करेगा यूजिंग दैट पेन. अगर वो पॉइंटर के थ्रू करे तो मे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए लाइन लगाने में या कुछ डिजाइनिंग में, लेकिन पेन के थ्रू वो बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉइंग कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, जैसे वो कॉपी पे इजिली कर लेगा. तो इसलिए इसका मेन टारगेट इंजीनियरिंग प्रोफेशनलिस्ट और डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज होता है. आम चीजों के लिए इतना इसका यूज नहीं है. अगर आपको और एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, जनरल एग्जांपल, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे सेलफोन्स हैं जिसको टच करने के लिए एक पेन आपको दिया जाता है. एक पेन होता है, उसमें लाइट नहीं होती, नॉर्मल पेन टाइप उसकी शेप होती है. उस पेन के थ्रू आप अपने मोबाइल की टच स्क्रीन को टच कर सकते हैं. अच्छा, टच स्क्रीन का एक और पॉइंट जो मैं आपको बताऊं कि टच हम जब करते हैं तो स्क्रीन पर प्रेशर जनरेट होता है जो आपकी फिंगर से जनरेट होता है. अगर आप ग्लव्स पहन के टच करोगे तो वो टच नहीं होगा.
क्योंकि ग्लव्स आपकी सरफेस चेंज कर देते हैं और जिससे प्रेशर जनरेट नहीं होता, इसलिए ग्लव्स पहन कर, नॉर्मल ग्लव्स जो होते हैं हाथ में, उससे टच नहीं होता। हाँ, अगर ग्लव्स जो है वो रफ हो जाए फिंगर की तरह, थोड़े से प्रेशराइज हो जाए, तो फिर उसे प्रेस यानी टच किया जा सकता है, अदरवाइज ग्लव्स पहन के आप सेलफोन टच वगैरह नहीं कर सकते। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है टच पैड, जो कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि आपके लैपटॉप पे जो आपका माउस का पैड होता है, जिसको हम टच पैड करते हैं, वो बेसिकली टच पैड होता है लैपटॉप में। टच पैड इज यूज इन द लैपटॉप कंप्यूटर, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट कैन सेंस द मूवमेंट एंड पोजिशन ऑफ द फिंगर ऑन द पैड। जब आप इस पे फिंगर रखते हो तो ये आपकी फिंगर की मूवमेंट को सेंस कर लेती है, सेंसर होता है इसके अंदर जो आपकी फिंगर को सेंस करती है, और जहाँ जहाँ आप फिंगर लेके जाते हो माउस का कर्सर वहाँ वहाँ रोटेट कर रहे हैं। दे आर कॉमनली यूज एज द अल्टरनेट टू कंप्यूटर माउस इन लैपटॉप, यानी माउस के अलावा आपके पास ये टच पैड होता है, इसको आप यूज कर सकते हो। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप माउस अटैच कर लो, माउस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप टच पैड को इजीली यूज कर सकते हो। ये बेसिकली टच पैड लैपटॉप्स के लिए, लैपटॉप में एक छोटी सी मिड में जगह होती है सरफेस, जिससे आप मूवमेंट ऑफ कर्सर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये थ्री इनपुट डिवाइसेस थी जो कि आज डिस्कस हुई, इंशाल्लाह हम डीप वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।